गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो करते हैं आज कुछ नए ब्लॉग की शुरुआत खिलती हुई धूप से। तो अभी जा रहा हूँ मैं कार्तिक स्वामी, जो कि भगवान शिव और पार्वती मैया का जो पुत्र थे, उनका मंदिर है वहाँ पे, काफ़ी हाइट पे है। तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो चलते हैं आगे की ओर। और खिलती धूप से मेरा कुछ ये मतलब था। यहाँ सुबह का टाइम है, अभी ये सूर्यदेव निकल रहे, तो ये रही अपनी धुन्नो यहाँ पे। तो चलते हैं। और यहाँ से नीचे अगस्त मुनि मार्केट का कुछ ऐसा व्यू दिख रहा। वहाँ तो अभी धूप आने की कोई संभावना नहीं है, वहाँ तो 10:30-11 बजे से पहले धूप निकलती नहीं है। पर मेरे पे जो जाने वाले हैं कार्तिक स्वामी, वो वहीं नीचे से है मार्केट से। तो चलते हैं नीचे की ओर। अभी है सुबह सुबह का टाइम और मार्केट में अभी कोई उठा नहीं, और ठंड देख लो कितनी है यहाँ पे, इतना तक कि मेरे को नाश्ता नहीं मिल रहा यहाँ पे। होटल दुकानें कुछ नहीं खुली अभी यहाँ पे। पूरा मार्केट सुन पड़ा है अभी। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे बांसवाड़ा होके। यहाँ पे लिखा है साफ साफ शब्दों में, कार्तिक स्वामी 39, मौन काल 30 किलोमीटर। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। वीडियो के साथ बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को। और जैसे ही हम 7-8 किलोमीटर आगे पहुँचते हैं, तो हमें मिला सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर, और यहीं पे है मंदिर भी। और यहाँ से सीधे आगे को निकलते हैं हम जंगल की ओर, क्योंकि सारा रास्ता लगभग जंगल का ही है। अभी पहुँच चुके हैं हम लोग हनुमान मंदिर पे, जो कि कटनारा के बगल पे है। तो यहाँ से आगे सीधे इसी पतली सिंगल रोड पे चलते रहेंगे और पहुँच जाएंगे अपने मंजिल की ओर। और यहाँ पे लिखा भी है मौन काल 25, अभी 25 किलोमीटर है। मेरे साथ में आ रखे इतने लोग, 4 लड़कियाँ 2 लड़के हैं। अभी जो है कि इनका फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। और ये रहा हमारा कैमरामैन। तो दोस्तों, अभी पहुँच चुके हैं हम लोग कनक चोरी पे। यहाँ से कार्तिक स्वामी टेम्पल 3.5 किलोमीटर ऊपर है, पैदल ट्रैक है। तो ऐसा दिखता है कुछ कनक चोरी मार्केट। यहाँ पे आपको ज़रूरी सामान मिल जाएगा, सब कुछ पूजा का सामान जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, उपलब्ध है। यहाँ पे दुकानें हैं 2-4। और ये रहा एंट्री गेट पैदल ट्रैक के लिए। जय कार्तिक स्वामी। और मेरे साथ वाले ये रहे। यहाँ नीचे से सामने दिख रहा चौखंबा, और वहाँ से बर्फीली हवाएं इतनी आ रही ना, ठंडा हो रहा बहुत। पैदल ट्रैक कुछ ऐसा है जंगलों के बीच। मेरे साथ वाले वो आ रहे नीचे, कुछ तो चल भी नहीं पा रहे। बस ये भाई है जो बहुत आगे निकल रहा। अब बाकी ये लोग तो बाकी ये आ रहे, ये बहुत थक चुके हैं। हाँ, अभी तो बहुत है चलने के लिए। तो यहाँ से चढ़ के ऊपर के लिए और सीधे पहुँचना है उस चोटी पे। वहाँ पे मंदिर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को हल्का सा। ये रहा ठीक यहाँ ऊपर पे है मंदिर। इन लोगों ने ना पिक ले लेके ना कैमरा ही ख़राब कर दिया, लग रहा पूरा किराया वसूल करेंगे आज कैमरे का। पूरे रास्ते रुक रुक के चल रहे। ये हमारे साथ का फोटोग्राफर रास्ते में जो मिलना सबकी फ़ोटो ले रहा। लोग इतनी हाइट पे हैं कि नीचे का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा,
देख लो हम सबसे ऊपर है, ये पहाड़ियाँ सारी नीचे चली गई हमसे, अभी बस थोड़ा सा ही बचा है, ऊपर चढ़ेंगे हम लोग। ये रहा रास्ता सामने, रास्ता सही होता है, अब थोड़ा सा ही बचा है मंदिर के लिए, लगभग 600-700 मीटर। काफ़ी हाइट पे हैं हम लोग अभी, से थोड़ी दूर पे आपको धर्मशाला मिल जाएगा रहने के लिए। अभी वहाँ से ऊपर को जाना है और वो सामने उस चोटी पे जाना है हम लोगों को। यहाँ पे थोड़ी दुकानें दुकानें हैं, धर्मशाला है भाई, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सामने से चौखंबा, फिर इधर साइड भी चौखंबा, काफ़ी अच्छी फ़ोटो जा रही है यहाँ पे। ये हमारा फोटोग्राफर फोटो ले ही रहा है हर टाइम। फाइनली गाइज आप लोगों को जिस चीज़ का वेट था वो सब टूट चुका है, और हमारे ठीक पीछे है कार्तिक स्वामी टेम्पल, तो हम लोग पहुंच चुके हैं टेम्पल पे, तो चलो फिर फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं टेम्पल पे। जय कार्तिक स्वामी। इस टाइम ज़्यादा भीड़ तो है नहीं मंदिर पे, फिर भी काफ़ी लोग आ रहे हैं अगल बगल से। जय कार्तिक स्वामी, जय कार्तिकी। और चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा है कार्तिक स्वामी के ऊपर से, और ये जो आपको अगल बगल पर्वत दिख रहे वो क्रॉन्च पर्वत है। इस साइड पे तोड़े जा रहे हैं नारियल। तो गाइज हमें अभी पूरी हाइट पे, ये हमारा कार्तिक स्वामी टेम्पल, अगल बगल सारी पहाड़ियाँ, और तो मेरे साथ में अभी मेरा भांजा। तो भांजा कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, ये बहुत हाइट पे है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और यहाँ तुम देख सकते हो नेचर बहुत मेहरबान है, और यहाँ कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है जो इसके पीछे भी एक कहानी है, बट इतना टाइम नहीं होता है कि जो आपको कहानी बताएं। तो यहाँ कार्तिकेय महाराज का, मेनली तो कार्तिकेय महाराज का, इसलिए इसका नाम भी कार्तिक स्वामी पड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बताने के लिए। तो यहाँ पे मुझे मेरा छोटा भाई मिला जो आ रहा देहरादून से। तो भाई आपको कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, और यहाँ मंदिर में भी आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ का पूरा व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ पीछे का भी व्यू बहुत अच्छा है। सो भैया काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, नए नए कंटेंट ला रहे हैं, तो इनके चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके ब्रो, मिलते रहेंगे फिर। जी बिल्कुल। तो गाइस यार बस एक ही चीज़ कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।